सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कास्टिंग काउच नाम की कोई चीज़ होती है इंडस्ट्री में। यहाँ पे सब अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। पवन सिंह को तो मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, ही इज़ लाइक माई ब्रदर और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अगर अक्सरा के बारे में मैं अगर कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने सुना है कि अक्सरा नाम की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री, बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छे इंसान है, जो उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है पवन सिंह पर कि उनके साथ रिलेशनशिप में वो थी और उनके साथ कुछ रेप हुआ या उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई या मारने की धमकी दी गई। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, इसीलिए कि पवन सिंह के साथ मैंने फिल्म बनाई है कट्टा तनल दुपट्टा पर, रवि किशन पवन सिंह, तो 6 महीने मैंने गुजारी वो फिल्म को मैंने बनाया है और एज अ प्रोड्यूसर, तो मैं वहाँ पर रही हूँ। इतने अच्छे इंसान हैं वो पवन सिंह, और अभी भी हाल ही में मैंने उनके साथ एक आइटम सॉन्ग भी किया है। मैं जिंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ और मुझे किसी कभी मैं लॉबी नहीं बनाती हूँ। मैं कभी किसी हीरो हीरोइन किसी की चमचागिरी नहीं करती, जो सच है वो बताती हूँ। अक्सरा ने ऐसा कहा, अभी अभी कहा, आप 2-3 साल उनके साथ रिलेशनशिप में आप रही और अब आप कह रही है कि आपके साथ गलत हुआ, ये तो गलत है। जब उनकी शादी हुई तब आपको गलत लगा, पहले वो आपको जान से ज़्यादा प्यारे लगते थे, ये बहुत गलत बात है कि अक्सरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अक्सरा ने कहा वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मैं उनको कंधे में उठा के यहाँ लेकर जाती हूँ, वहाँ लेकर जाती हूँ। तो आप स्पॉट बॉय थोड़ी हैं, आप तो गर्लफ्रेंड थी, इसलिए आप हेल्प करती थी अपने बॉयफ्रेंड की, हेल्प करना बुरी बात नहीं है। और पवन सिंह को मैं कहती हूँ वो इसलिए पीते थे कि उनको एक फोबिया है, फ्लाइट में जब आप जाते हो तो फ्लाइट में आप फ्लाई नहीं कर सकते। मेरा भी फोबिया है कि मैं फ्लाई नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है फ्लाई करने से। तो कुछ कुछ लोग हैं जो एक एक दो पैक मार के फ्लाइट में चढ़ते हैं क्योंकि उनको शूटिंग में जाना पड़ता है हर जगह। बट मैं कहती हूँ कि इस मामले में पवन सिंह बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और जब आप साथ में थे, प्यार करते थे, तो आपको चांद नज़र आता था। तो अब जब प्यार नहीं रहा, उनकी शादी हो गई, तो उसी चांद में आपको दाग नज़र आता है, तो ये गलत बात है। एक औरत की इज्जत होती है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आप कल जाके तुम्हारी शादी होगी, तो ये सारी बातें हम लोगों को, हिंदुस्तानी औरतों को नहीं होना चाहिए, मीडिया में आके सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी शादी होती है और ये लक्ष्मण रेखा हमें प्यार पार करने का कोई अधिकार नहीं है। राखी, आपको क्या लगता है क्यों कर रही हैं अक्षरा इस तरह की बातें? मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पवन सिंह की पहले शादी हो गई थी और उनकी वाइफ ने आत्महत्या करी थी, तो वो एक ट्रोमा में थे इसलिए वो पीने लग गए। वो इंसान कैसे जिएगा बताएं उनके नज़रों के सामने, जब शादी होकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और उनकी वाइफ ने आत्महत्या करी थी। अभी उनकी दूसरी शादी हुई है, तो दूसरी शादी के लिए कोई जो है वो अक्सरा हमेशा बीच में आ रही है और उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग कर रही है, फ़ोन रिकॉर्ड करती मीडिया में डाल रही है। ऐसे किसी भी, वो एक टाइम पे आपका बॉयफ्रेंड था, मेरा भी एक टाइम पे बॉयफ्रेंड था, मैंने अपने हस्बैंड को सब बता दिया, लेकिन मैं कभी भी अभिषेक की ज़िंदगी में या उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी नहीं गई, उनका कभी बुरा नहीं चाहा। जो बीत गया पास्ट है, पास्ट है, भूल जाना चाहिए। अक्सरा तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो, अच्छी सिंगर हो, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। उनके पापा का इंटरव्यू देखकर मुझे बहुत रोना आया, कितना प्यार करते हैं, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, पवन से भी अच्छा, लेकिन किसी पे इल्ज़ाम मत लगाया करो, इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, रानू मंडल के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी क्योंकि शी इज़ द बेस्ट, थैंक्स टू माई फिल्म इंडस्ट्री। कितनी दयावान है मेरी फिल्म इंडस्ट्री, कितने सलमान खान, हेमंत रेशमिया, कितने अच्छे अच्छे सिंगर सब लोग हैं, जो एक नई सिंगर, एक फीमेल सिंगर जो जस्ट ऐसे नॉर्मली गाया था तो उसको एकदम स्टार बना दिया, नई नई साड़ियाँ पहनती है और अच्छा खाती है, कितनी अच्छी लगती है, बहुत खुशी होती है कि कोई इंसान एकदम एकदम गरीब है तो उसको हम लोग के बॉलीवुड वाले कितना सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 56 चूड़ी गाने के लॉन्च पे, और सबसे बड़ी बात 56 चूड़ी, यस रानू जी को गाना तो सुना ही सुना, और उसके बाद भी मैं हिमेश जी से पहले भी मिल चुकी हूँ उनके स्टूडियो में, और बातचीत भी अगली हिमेश जी के लिए और भी ज़्यादा और रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्योंकि ऐसे ही अगर हिमेश जी के जैसे लोग, ऐसे लोगों को अगर निकाल के ला के, मतलब सड़क से ला के यहाँ बैठाएंगे, स्टार बनाएंगे, इससे अच्छी बात क्या है? नहीं, बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड की, रानू जी को सड़क से लाकर ऐसा गवाया, सलमान जी से लेकर सभी बॉलीवुड ने उसको सपोर्ट किया, कितनी अच्छी बात है।
हाँ, हम चाहते कि छप्पन छुरी का गाना उनको गवाते हैं बहुत जल्द बुला के, बहुत जल्दी छप्पन छुरी, हाँ रिमिक्स। हम लोग रानू जी आप वेट कीजिए और हम छप्पन छुरी का गाना आपसे गवाएंगे, आपसे गवाएंगे। और छप्पन छुरी का रिमिक्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ, कौन कौन डालेंगे और अपना अपना यूट्यूब चैनल पे सब में डालते रहो। कौन इस गाने पहले रानू जी गाएगी, पहले रानू जी गाएंगे और उसके बाद इसके जो टिकटॉक पे सब लोग डांस कीजिए, हर जगह डांस करके इसका वीडियो भेजिए। और राखी जी विल डिसाइड कि इसमें से पांच लड़का पांच लड़की किसके साथ डेट पे जाना है। ये डेट पे जाएगी, म्यूजिकल डेट, म्यूजिकल डेट, कुछ और डेट मत समझना प्लीज, वरना मेरा पति मेरी डेट कर देगा। और दो मिनट ना ये इंटरव्यू खत्म नहीं होता है, जो दो लेट्स सिंग। यस, छप्पन छुरी मेरी नजरे बुरी, मैं नैनो से मारू कटार रे, कम सिन कमरिया लजर लज जाए में, दो धारी तलवार हो कोई बच ना सका, हो ऐसा मुझ में नशा, हो कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ मार रे, मेरे ठुमके पे, मेरे ठुमके पे, मेरे ठुमके पे, यूपी बिहार रे, मेरे ठुमके यूपी बिहार रे। तो मैं सच कहती हूँ ईश्वर के, ईश्वर को साक्षी मान के कब मेरी शादी हो गई है, कोई स्पूफ नहीं है, ये रियल सिंदूर है, मंगलसूत्र है और आई एम एंगेज। ना तो आप अपने पति का चेहरा दिखा रही है, ना तस्वीर कुछ ऐसा, मतलब इतना छुपा के क्यों रखा है? देखिए मेरा पति इतना हैंडसम ड्यूड है, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना वो मेरे मेरे दिल का टुकड़ा है, कहीं मेरे पति को नज़र ना लग जाए, इसीलिए मैंने पूरी मीडिया से उनको छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो एक चांद का टुकड़ा है। और पता नहीं यहाँ पे तो लोगों की ऐसी नज़र लगती है, माई गॉड, जब मैं अपने पति के लिए पूरी जान दे सकती हूँ, मंदाकिनी मैं उन पे अपनी पूरी जान निछावर करती हूँ। She loves her husband a lot, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छा से समझ पाई कि बहुत बहुत प्यार करती है। और छप्पन छुरी गाने के बाद इनकी शादी हुई, सो मतलब हाँ, जब छप्पन छुरी का गाना उन्होंने शूटिंग का वो थोड़ा सा शूटिंग देखा, उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा और उन्होंने मुझे तुरंत प्रपोज किया, उन्होंने मुझे 10 days दिए थे कि यू हैव 10 days, आपको फटाफट शादी करनी है, क्योंकि बिकॉज आई डोंट गेट टाइम, वो NRIs है, उनके पास टाइम नहीं होता। तो 10 days में आई वॉज कन्फ्यूज, मैं सोची मैं क्या करूँ, मीडिया से चुपके कैसे शादी करूँ। उनका एक ही बात था कि मीडिया नहीं चाहिए, मेरा एक भी फोटो मीडिया में वायरल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। तो मैंने कहा ओ भगवान, अब मैं कैसे मीडिया से कैसे छुपूंगी, मीडिया से मतलब चांद सूरज छुप सकता है, राखी सावंत कैसे छुप सकती है। तो मतलब कि चलो, मैंने कहा आप भी बताइए कैसे प्लान। तो उन्होंने प्लान बताया कि मेरे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स एक कमरे में गेट टुगेदर करेंगे, और मैं क्रिश्चियन तरीके से शादी करूंगी और वो हिंदू तरीके से शादी करेंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे। ऐसे 3 शादियां हमने करी और उनका एक ही था कि मैं उनका एक भी फ़ोटो बिल्कुल कहीं वायरल ना हो, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनका प्रोटोकॉल है। देखिए मैं नहीं चाहती, मैं मीडिया की बेटी हूँ और मीडिया ने मुझे ज़िंदगी में सपोर्ट किया, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे प्यार किया, आई डोंट डिज़र्व दिस थैंक्स टू मीडिया। बट उन वो बिल्कुल नहीं चाहते मीडिया में आना, क्योंकि उनको कुछ इफेक्ट हो सकता है उनके बिजनेस में या उनका प्रोटोकॉल है, और वो नहीं आना चाहते, तो मैं खुश हूँ। ऐसे भी वो इतने हैंडसम ड्यूड है कि नज़र लग सकती है। रिश्ता दिल से बनती है, जो राखी जी की बनी है ना। मैंने उन्हें कहा कि एक बार तो आइए, तो उन्होंने कहा 2020 में जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो वो सामने आएंगे। हाँ, बच्चों के साथ, मतलब अपने पति के साथ ही एक बार फिर से शादी करूंगी मैं। नहीं, एक्चुअली वो नहीं आना चाहते हैं, उनको ऐसा है कि उनको बस यही है कि मीडिया वाले सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं, बातों का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं छींकती भी हूँ तो भी मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन के साथ शादी करना कितनी बड़ी बात है। तो वो बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ही गाय और बहुत ही सीधे साधे लोग और बहुत ही अच्छे लोग, साधारण लोग हैं, और वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि वो मेरे पति के साथ मैं जाती हूँ तो सब लोग मेरी सेल्फ़ी लेते हैं, तो वो बहुत डरते कि मैं किसी के साथ सेल्फ़ी नहीं ले सकता हूँ। तो मेरे इन लॉज लोग बहुत सीधे साधारण लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सिंपल मैन है। नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले बेटे हैं, उनकी 2 सिस्टर, 1 छोटी 1 बड़ी। अच्छा, जिस तरह आपने कंट्रोवर्सी की बात करी तो दीपक कलाले भी काफी वीडियो डाले थे जिसकी वजह से वायरल भी हुआ।
नहीं नहीं, दीपक कलाल ने बहुत बदतमीजी करी है और मेरे हस्बैंड ने कल ही उनको सू करने की पूरा उनको धमकी दी और उनको कहा है कि अगर तुम ऐसे, अब वो राखी राखी नहीं है, अब वो मेरी वाइफ है, अगर तुम फालतू की बातें करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। और मतलब बहुत ही उनको बहुत ही सुनाया, तब जाके फिर दीपक कलाल ने अपॉलोजी की वीडियो डाली। बिकॉज किसी भी महिला के लिए ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए, बच्चा है, ये है, वो है, एक मजाक था मेरे, मैंने दीपक के साथ जो मीडिया में स्पूफ किया था वो शादी से पहले था, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है, अब मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं दीपक से भी हाथ जोड़ के कहूँगी कि कोई भी फालतू की बात मीडिया में ना करे मेरे खिलाफ, क्योंकि अब मेरा ससुराल है, मेरा पति है और आगे मेरे बच्चे भी होंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड को कहीं से भी तकलीफ हो, तो दीपक फालतू की बातें ना करें। आई रिक्वेस्ट यू।